शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए दोबारा आटा मलिए और पराठे बनाइए। ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, सिर्फ 4 मिनट। जल्दी कीजिए, तुमने तो कसम खाई थी ना कि तुम इस हवेली में वापस नहीं आओगे। खबर, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, क्योंकि मुझे यहाँ मजबूरन आना पड़ा है। कुणाल गायत्री सिंह, सॉरी सर, फिर मैं ये जॉब नहीं कर सकता। ये डिसीजन लेने में आपने थोड़ी देर कर दी। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3 महीने तक आप जॉब नहीं छोड़ सकते, और अगर आपने छोड़ा तो 25 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। 25 लाख? हाँ काफी, उसी 25 लाख की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, यही है मेरी मजबूरी। लेकिन काव्या, अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन आई लेकिन कुछ नहीं काव्या, तुम जब से इस घर में आई हो ना, सिर्फ परेशान हो रही हो। तुम्हें फंसाने के लिए कोई ना कोई जाल बिछाते ही रहते हैं। कल कोई और था, आज कोई और है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें किसी जाल में फंसने नहीं दूंगा। जाल में तो अब काव्या फंस कर ही रहेगी, और ऐसा जाल फैलाया है कि काव्या को पता तक नहीं चलेगा कि उन पेपर्स पे नाम किसका है। उस बेचारे को कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसने साइन कैसे किया। Yes, exactly. अब काव्या को फंसने और तड़पने से कोई नहीं बचा पाएगा। यूं समझ लीजिए कि कैद में है बुलबुल। Yes, कैद में है बुलबुल। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। नहीं, मैं उस शैतान को जीतने नहीं दूंगी। मुझे हर हाल में ये करना है। अब हमारी अकलमंदी यही है कि हम अपने प्लान को आज ही अंजाम देते हैं। 1 मिनट, बस अब मुझे कैसे भी करके इस नींद की दवाई को काव्या के खाने में मिलाना होगा। कल वो खाना खाने के बाद वो बेहोश हो जाएगी, और हम उसके अंगूठे का निशान हवेली के पेपर्स पर ले लेंगे। और जैसे ही उसके अंगूठे का निशान हवेली के पेपर्स पर लगेगा, हम अपनी गरीबी को अंगूठा दिखा देंगे। अच्छा, बाय बाय। अच्छा ये तो बताओ कि ये नींद की दवाई को काव्या के खाने में कैसे मिलोगे, कुछ सोचा है उसके बारे में? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हम जानते हैं मैं इनका तुम्हारे शातिर दिमाग को, कि कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालोगी। ऑफ कोर्स। दो मिनट बचे हैं बस। लगता है आप काफी फुर्सत में, तो क्यों ना आपको एक नया टास्क दिया जाए। तो भवानी जी के पास अब केवल 2 मिनट है, और उन 2 मिनटों को आप मजेदार बनाएंगे। फिल्मों में आपने हीरो को कैदियों की तरह जेल में देखा है, और जेल में जब खाने के टाइम पर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो पता है हीरो बाकी साथियों के साथ क्या करता है? इतना भी नहीं जानती हैं आप। थाली चम्मच लेकर जोर जोर से बजाकर वो अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए, आप भी थाली चम्मच लेकर रेडी हो जाइए, और अगर 2 मिनटों में डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं आया तो आप भी शुरू हो जाइए। एक तो तुमने वैसे ही दादी माँ को सिर्फ 10 मिनट दिए पराठे बनाने को, वैसे इतनी परेशान है, और कितना परेशान करना चाहते हो तुम? चाहत को छोड़ो, अपनी चाहत के बारे में सोचो। लगता है इस हवेली के प्रति तुम्हारी चाहत कम होने जा रही है। नहीं चाहिए तुम सुख,
10 मिनट में पराठे आ जाने चाहिए थे, लेकिन अब 12 मिनट हो चुके हैं, मुझे तो पराठे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर अगले एक मिनट में पराठे टेबल पर नहीं हुए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। हे महादेव, दादी की मदद कीजिए। आप ठीक हो ना? हाँ। आप मुझे दीजिए, मैं पराठे सर्व कर देती हूँ। नहीं बेटा, ये बात हमारी और कुणाल के बीच की है, हम उसे और मौका नहीं देना चाहते। बस बस पराठे आ गए। वाह भवानी जी वाह, कमाल ही कर दिया आपने। आज तक ग्वालियर सिर्फ अपने किले के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस अजूबे के लिए जाना जाएगा।
भवानी जी, आपने सिर्फ पराठा नहीं बल्कि आठवां अजूबा बना दिया। अरे गौर से देखिए, आप सभी लोग गौर से देखिए, दूर से भले ये नॉर्मल पराठा दिख रहा है बट ये नॉर्मल है नहीं। ये बेचारा चूने की आग से जंग जीत कर आया और इसका प्रमाण इसका जला हुआ रूप दे रहा है। कोई है इसे जो खाकर इस पराठे को न्याय दे सके? तुम, क्योंकि तुम नए हो तो ये सौभाग्य मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वैसे मैंने सुना है कि शाही घरानों में यह ऐसा जला हुआ पराठा अपशगुन माना जाता है। एक बात का ध्यान रहे, हमारे यहां जली हुई रोटी अपशगुन मानी जाती है, इसलिए रोटी नरम होनी चाहिए, ना जली हुई ना कच्ची। भवानी जी, क्या आप इसे खाकर बताएंगी कि जला हुआ अपशगुनी पराठा कैसे खाया जाता है? और आप दोनों भी शाही घराने से है ना, तो आइए आप भी इस पराठे को खाइए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। बानू जी, मेनका जी, आइए बानू, इसे खा के बताइए कैसा बना है। लीजिए, आइए आइए आइए, शर्माइए मत बानू जी। हाँ, लगता है काफी स्वादिष्ट बना है भानु जी। मेनका जी, आई अब आपकी बारी। मेरी? जल्दी खाइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं हम। हारे हारे, बहुत गंदा बना, हम नहीं खाएंगे। अनका, वाह, है अब और किसी में हिम्मत जो इस बेचारे पराठे को खाकर इसे न्याय दे सके? पर इस बेचारे पराठे की क्या गलती थी जो आपने इसको इतना जला दी? मैं चाहूं तो आपको सबक सिखाने के लिए पराठा आपको खिला सकता हूं, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज करके
मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन गलती तो आपने की है। तो इसकी सजा तो आपको मिलेगी। आज रात का खाना आप बनाएंगे। मन तो कर रहा है इसी रिवॉल्वर से इसकी जान ले लूं। कुछ कहना चाहती हैं? आज तक दादी माँ को इतना अपमानित किसी ने नहीं किया। तो मैं कहाँ उन्हें अपमानित कर रहा हूं? उनके जले हुए पराठे उनको अपमानित कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी शिकायत है ना तो मुझसे मत कीजिए, इन बेचारे जले हुए पराठों से कीजिए, मुझसे नहीं। सो मिस्टर मैनेजर, कैसा लगा आपको ड्रामा? गुड ना? मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। वैसे कितने लोग रह गए खाने के? इतना कंफ्यूज दिख रहे हो तुम। सिर्फ हम दोनों ही दो हैं। आओ बैठो। बैठिए दादी, आप लेट जाइए। मैं आपके पैर में बाम लगा देती हूँ। दादी, मैं मॉम के पास से बाम लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। बेटा, बाम आराम से लगाना है। बहुत दर्द है। इतने वाहियात पराठे बनाए हैं ना बुढ़िया ने, मेरे तो मुंह का स्वाद ही खराब हो गया है। बात ठीक कर लो। मैं क्या बोल रही हूँ, लंच का तो सत्यानाश हो ही गया, अब डिनर भी खराब करेगी बुढ़िया। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए हमें काव्य के खाने में नीम की दवाई कब और कैसे मिलानी है? वैसे हम लोगों को आज रात को ही हमारे काम को अंजाम देना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर आज रात का डिनर किसी भी तरह हमें ही बनाना होगा ताकि काव्य के खाने में वो दवाई मिलाने का मौका मिल जाए। पर मिलाएंगे कैसे? उस कुणाल ने तो बुढ़िया को डिनर बनाने के लिए कहा है। वही तो फेरबदल करना है ताकि काव्य को बेहोश करके हम अपने प्लान को अंजाम दे सके। तुम सही कह मॉम।
मेरे पास सिर्फ दादी थी और अपना कहने के लिए दादी और हमारी हवेली, ये दोनों ही थे जिन्हें मैं अपना कह पाता था। तुम बिल्कुल हमारे करण की तरह पैर दबा रही हो। क्या हुआ है शिका, कुछ चाहिए था? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट दादी के पैर में मोच आई है ना, तो उनको बाम चाहिए था। अच्छा बाम, मैं अभी लेकर आती हूँ। अम्मा को बड़ा दर्द हो रहा होगा ना? हाँ उनको बहुत दर्द हो रहा है। ये लो शिका। थैंक यू। एक मिनट शिका, लाओ ये बाम मुझे ही दे दो, मैं खुद ही अम्मा जी के पैरों में बाम लगा देती हूँ। वो क्या है ना, आज उन्होंने सुबह नाश्ता भी बनाया तो खड़े खड़े उनके जोड़ों में दर्द हो गया होगा, ऊपर से उनके पैर में मोच भी आ गई है, उनको आराम मिल जाएगा। मैं लगा देती हूँ। वो ठीक रहेगा। चलिए आप भी आओ। सुनिए, मुझे लगता है जिस मौके की हमें तलाश थी वो मौका हमें मिल गया है। अब अम्मा जी खाना कैसे बनाएंगी? Exactly. चलिए। Good luck. कैसे विश्वास दिलाऊं मैं आपको दादी माँ कि मैं इस हवेली के लिए और आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, जरूरत पड़े तो अपनी जान तक दे सकती हूँ। आज इस काव्या की मैं सारी हेकड़ी निकाल दूंगी, ये नींद की दवाई वाला पराठा खाएगी और इसके उड़ जाएंगे। स्पेशल पराठा काव्या के लिए, ये लीजिए गर्म गर्म पराठे। रुकिए, मुझे दो और पराठे चाहिए। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।